तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कृष्ण बाबा जी यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करना ना भूले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का वीडियो है समुद्र के कुछ ऐसे रहस्यों और फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। अगर आपको पता था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे सजेस्ट करें कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके सजेशन पर आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे महासागर पृथ्वी की सतह को 70% से अधिक कवर करते हैं। समुद्र के ऊपर पृथ्वी के सरफेस से बहुत ज़्यादा होने के साथ यह साफ है कि समुद्री वातावरण ग्रह के लिए कितना ज़रूरी है और कितना अभी भी वहाँ के बारे में पता लगाना बाकी है। पृथ्वी पर जीवन का ज़्यादातर हिस्सा पानी से भरा हुआ है। क्योंकि पृथ्वी की सतह बहुत ज़्यादा पानी के नीचे है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोगों को ज़मीन से बाहर निकाल देती है। लेकिन ये समुद्र के भीतर पृथ्वी की जीवित प्रजातियों का अविश्वसनीय 94% है। ग्रह के महासागरों के 5% से कम का पता लगाया गया है। महासागर सेवा के अनुसार मनुष्य ने पृथ्वी के महासागरों को 5% से कम का पता लगाया है। जैसा कि शोधकर्ता अधिक खोज करने का प्रयास करते हैं, हम लगातार अपने महासागरों को बेहतर तरीके से जान रहे हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पानी के नीचे मौजूद है। पृथ्वी की सबसे लंबी श्रृंखला, पहाड़ों की सबसे बड़ी श्रृंखला, मिड ओशियन रिज समुद्र के नीचे लगभग 65,000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। यह कहा गया है कि शुक्र या मंगल ग्रह की सतह की तुलना में इस पर्वत श्रृंखला का कम पता लगाया गया है। दुनिया के सभी श्रृंखलाओं की तुलना में समुद्र के नीचे अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियाँ हैं। लगभग 1,000 शिपब्रेक अकेले फ्लोरिडा की नेशनल किच मरीन सेंचुरी के भीतर हैं। हाल के वर्षों में अन्य पानी के नीचे श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया है, जिसे भूमध्य सागरीय जलस्मरण कांस्य प्रतिमा क्राइस्ट ऑफ द एबिक शामिल है। हम अभी भी अपने महासागरों के समुद्री प्रजातियों का एक अंश ही जानते हैं। मरीन स्पीसीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अब 240 से 470 स्वीकृत प्रजातियाँ हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह प्रजाति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है, जो हर रोज नए एक समुद्री जीवन की खोज के साथ मौजूद है। हमारे ग्रह के ऑक्सीजन का 70% से अधिक महासागर द्वारा उत्पादित होता है। यह सोचा गया कि 70 से 80% ऑक्सीजन के बीच हम सांस लेते हैं, जो समुद्री पौधों द्वारा नियमित होती है, जिसमें से लगभग सभी समुद्री शैवाल हैं। समुद्र के नीचे नदियों और झीलों को ढूंढना संभव है। जब खारे पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होता है तो आसपास के बाकी पानी की तुलना में स्टेबल होता है, जिससे यह समुद्र के नीचे बहने वाली झीलें या नदी का रूप ले लेता है। अमेरिका लगभग 50% महासागर के नीचे स्थित है। न केवल ग्रह का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे मौजूद है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 50% वास्तव में है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें लगभग 25,000 आइलैंड्स हैं। 25,000 आइलैंड्स के भीतर स्थित होने के साथ प्रशांत महासागर के पास ग्रह पर कहीं और से अधिक द्वीप हैं। स्राक्सेवर और सफाइडर जैसी परियोजनाओं के माध्यम से ट्रेड राइट फाउंडेशन हमारे ग्रह के महासागरों के महत्व को दर्शाता है, जिसे हम टारफाल्गर में पूरे दिल से समर्थन करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 पाउंड होने के लिए समुद्र में प्राप्त सोना है। पूरे महासागरों में लगभग 20 मिलियन टन सोना बिखरा हुआ है। हालांकि यह एक लघुदि के लिए बहुत अधिक पतला है, इसलिए सौंदर्यता केवल कुछ अंश प्रति ट्रिलियन है। राष्ट्रीय महासागर सेवा के अनुसार समुद्र के तल में भी सोना मिला हुआ है, लेकिन खदान लगाना कारगर नहीं है। हालांकि यदि समुद्र का सोना पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के बीच समान रूप से वितरित किया गया तो हम प्रत्येक व्यक्ति को 9 पाउंड सोना प्राप्त करेंगे। हमारे ग्रह में पिछले हिमयुग से बर्फ की दो जगहें बनी हुई हैं, ग्रीनलैंड आइस शीट और अंटार्कटिका आइस शीट। दोनों का उत्तरार्ध आकार में चौंका देने वाला है। नेशनल स्नो एड्स IES डेटा सेंटर NSIDC के अनुसार 5.4 मिलियन वर्ग मील की दूरी पर स्थित यह संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के आकार का है। यह पता चला है सर्दियों की छुट्टियों के लिए मनुष्य ही केवल प्राणी नहीं है। 2002 में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के एक सुदूरी हिस्से में बाजा कैलिफोर्निया और हवाई के बीच के हिस्से में एक क्षेत्र की खोज की, जहां आमतौर पर तटीय महान सफ़ेद शार्क सर्दियों में प्रवास करेंगे। वैज्ञानिकों ने इस मौके को व्हाइट शार्क कैफे का नाम दिया है। और कुछ शार्क महीनों के लिए तट पर जाने से पहले गर्म मौसम में तट पर घूमती हैं। पृथ्वी की अधिकतर ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के अंदर होते हैं। जब ज्वालामुखी या विस्फोट की बात आती है तो समुद्र में सबसे अधिक अंतर होता है। वास्तव में ग्रह पर सभी ज्वालामुखी गतिविधियां का 90% महासागर में होता है।
और सक्रिय ज्वालामुखियों की सबसे बड़ी ज्ञात एकाग्रता दक्षिण प्रशांत में है। यह न्यूयॉर्क के आकार से बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें 1133 ज्वालामुखी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने हाइड्रोजन बम समुद्र में कहीं घुमा दिया है। हर साल शिपिंग कंटेनर्स को समुद्र में खो दिया जाता है और तेल रिसाव दुर्भाग्य से आम बात है। लेकिन 1966 में अमेरिका समुद्र में हाइड्रोजन बम खोने में कामयाब रहा था। सौभाग्य से इतिहास के अनुसार यह अंततः एक स्पेनिश मछुआरे की मदद से पाया गया था। महासागर में 3 मिलियन जलपोत हैं। महासागर के बारे में, डूबे जहाज के बारे में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टाइटैनिक से लेकर क्रिस्टोफर कोलंबस के सांता मारिया तक के महासागर लगभग 3 मिलियन शिपवर्कर्स के घर हैं। दुनिया के सभी संग्रहालयों की तुलना में महासागर में सबसे अधिक कलाकृतियां हैं। महासागरों के बारे में मिस्र के फैक्ट्स पर समुद्र तल पर कलाकृतियां। नेशनल ज्योग्राफिकल का अनुमान है कि दुनिया के सभी संग्रहालयों की तुलना में समुद्र के तल पर अधिक खजाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समुद्र से जुड़े और भी फैक्ट्स जानने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पहले से मालूम थे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।